Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about T and L configurations. लास्ट वीडियो में हमने कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस कर लिया था, आरएस कॉन्फ़िगरेशंस देख ली थी और हमने स्वीप रूल देख लिया था, जो प्रायोरिटी रूल हम आरएस कॉन्फ़िगरेशंस के लिए कैसे हम डिसाइड करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डीएल कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए, फर्स्ट तो आपको कोई भी आप स्टार्ट करते हो तो देखो, कॉन्फ़िगरेशंस मैंने पहले भी आपको बता दिया था, कॉन्फ़िगरेशन होता है एक कन्फर्मेशन होता है। तो जो कन्फर्मेशन होता है उसको चेंज करना हो तो आपको सिंपल रोटेट करके एक स्ट्रक्चर को दूसरे सिंपल जितने भी एंगल पर आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट कॉन्फ़िगरेशंस में आप रोटेशन करके नहीं कर सकते, इसमें आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है आपको कॉन्फ़िगरेशन में, ब्रेकिंग द बॉन्ड, बॉन्ड को आपको ब्रेक करके ही आप दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हो। आप आर से एस में कर रहे हो या डी से एल में कर रहे हो। ठीक है, सिंपल हमने देख लिया जो स्पाइचल अरेंजमेंट होती है एटम या मॉलिक्यूल की किसी भी पोजिशन ऑफ एटम में, उसको अगर चेंज करना है आपको कॉन्फ़िगरेशन में तो आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में। अभी हमें यह तो पता ही, आपको जैसे दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके पास, टू टाइप ऑफ एक तो होती है आपके पास एब्सोल्यूट, ठीक है, और सेकंड होती है आपके पास रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है ये प्रिसाइज होती है, जो रिलेटिव होती है इसमें तो हम कंपेयर करते हैं, नेम से ही सजेस्ट हो रहा है। देखो, किसी चीज़ के रिलेटिव में आप देखते हो तो रिलेटिव में क्या होता है, कंपेयर करते हैं जो भी अरेंजमेंट होता है ना एटम के स्पेस में एक कंपाउंड का दूसरे से। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप की होती है, या तो डी होता है एक एल होता है, और जो रिलेटिव होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आर और एस। रिलेटिव होता है आपका आर एस, और एब्सोल्यूट होता है जो प्रिसाइज होती है फिक्स डी और एल होता है। ठीक है, जैसे जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन, जैसे शुगर वगैरह नहीं होती, शुगर की हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आपको ग्लूकोज वगैरह, जो फिशर प्रोजेक्शन होते हैं उसके अंदर हम ये डी और एल देते हैं। जैसे आपके पास ये फिशर प्रोजेक्शन है, आप कई भी मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे ऊपर सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेबल, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप तो आपका होना चाहिए टॉप के ऊपर, और जो लेस ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप होगा वो आपका होना चाहिए बॉटम में। और फिर अगर ये कंडीशन है आपकी, और ओएच ग्रुप अगर आपका राइट साइड है तो आपको उसको डी दे दोगे, अगर आपका ओएच ग्रुप लेफ्ट साइड है तो आपको एल दे दोगे। पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे कोई ऐसी फिशर प्रोजेक्शन है आपको स्ट्रक्चर देखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये होती है एच ओ एच ओ एच एच, यहाँ पर एच ओ एच एच ओ एच, ये हो गया सी एच टू ओ एच। ठीक है, सबसे पहले हमें बता, सी एच ओ मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है टॉप में है, अल्कोहल लेस ऑक्सीडाइजेबल बॉटम में है, फिर कंडीशन सेटिस ओ एच राइट साइड है तो क्या हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन डी, लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएगी एल, राइट साइड है तो क्या हो जाएगी डी, लेफ्ट साइड है तो एल। तो बिल्कुल सिंपल सा वे है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। कंडीशन आपने देख ली, राइट साइड है तो आप डी कर दोगे, लेफ्ट साइड है तो ओ एच कर दोगे। वैसे ये 1906 के अराउंड दिया था, रजियन एक अमेरिकन केमिस्ट थे, उसने बताया था। उसने क्या लिया था, सबसे पहले ग्लिसरीअल्डिहाइड को लिया था, जो एक मोनोस्क्राइड होता है, आपको पता भी होगा कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ भी चुके होंगे, ग्लिसरीअल्डिहाइड एक मोनोस्क्राइड होता है, जो स्टैंडर्ड लिया था इसके रिस्पेक्ट में। दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं काइल, उनकी निकाली थी, जैसे फिशर रोजनोफ कन्वेंशन बोल सकते हैं, डी एल सिस्टम बोलते हैं इसको। तो डी फॉर फिक्स आप देख सकते हो, मीनिंग इसका डी का मतलब होता है राइट साइड और एल का मतलब होता है लेफ्ट, ग्लिसरीअल्डिहाइड में इनमें देख सकते हो। जैसे इनका साइन से भी आप एक प्लस होता है और जो देख लियो उसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लियो रोटेटरी। ठीक है, तो हम ये तो आपको पता चल गया कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये, लियो रोटेटरी। एक देखो स्मॉल डी होता है, एक स्मॉल एल होता है, ये है कैपिटल डी कैपिटल एल। तो क्या करते हैं, कई बार जैसे आपके वाइवर्स वगैरह होती हैं या वैसे भी कोई भी आपसे पूछ ले, तो इनमें दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं, ये कैपिटल डी और एक स्मॉल एल होता है, एक स्मॉल, इन दोनों में डिफरेंस। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि स्मॉल डी और कैपिटल डी में क्या डिफरेंस है। तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो कैपिटल डी और जो कैपिटल एल है, कैपिटल डी और एल, ये तो हम देते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करते हैं किसी मॉलिक्यूल की, ठीक है, तब बताते हैं। और जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है ये किसको बताता है, रोटेशन को, रोटेशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ये तब होता है जब आपके पास डी का मतलब यहाँ पे होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, एक होते हैं आपके लियो रोटेटरी सब्सटेंस। लियो क्या होते हैं, जो लेफ्ट साइड रोटेट कर देते हैं लाइट को, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, जो राइट साइड रोटेट कर देते हैं लाइट की, रोटेशन के लिए आप यूज़ करते हो इसको।
आपने एक टर्म पढ़ी होगी जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब है, रोटेट कर दे प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव हम देखते हैं। तो दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटेड एक लियो रोटेटेड। जो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर आपके पास राइट साइड रोटेट कर रही हैं तो उसको हम डेक्स्ट्रो बोलेंगे, अगर कोई लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को तो उसको हम लियो रोटेटेड बोलेंगे। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्लियर पता होना चाहिए कि स्मॉल डी क्या डिनोट कर रहा है और कैपिटल डी क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये स्मॉल थिंग्स होती हैं, कई बार कन्फ्यूजन रहता है, तो आप क्लियर कर लें अपना कन्फ्यूजन ही, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि हम डीएल कॉन्फ़िगरेशंस कैसे देंगे, सिंपल सा भी है। ओएच अगर राइट साइड है तो आप क्या कर दोगे, कैपिटल डी लगा दोगे, अगर आपके पास स्मॉल है तो आप मतलब लेफ्ट साइड है तब आप क्या कर दोगे, एल कर दोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, कैपिटल डी और स्मॉल एल देखो, उसमें कैपिटल डी कब यूज़ कर दोगे, जब आपका ओएच राइट साइड है, और अगर लेफ्ट साइड है तो आपका एल यूज़ कर लोगे। और कहाँ से बेसिक कहाँ से लिया गया था, ये ग्लिसरीअल्डिहाइड जो सबसे छोटा मोनोसैकेराइड यूनिट होती है, इसकी स्ट्रक्चर आपको बताई होगी, एच ओ एच यहाँ पे सी एच टू ओ एच होता है। ओ एच अगर राइट साइड है तो हम डी, तो इसको डी ग्लिसरीअल्डिहाइड। अगर इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो हमारे पास मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ओ एच ही साइड देखेंगे आपको, ये ओ एच एच, तो ये क्या हो जाएगा डी और एल। तो ये आपको पता है कि मिरर इमेज हमेशा अपोजिट होते हैं। सेकेंड कंडीशन, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर डी है तो इसकी एल मिलेगी आपको, एस मैट्रिक्स एंटर किया। फिर बाद में देखो कई बार क्या कर लेते हैं, आपको जैसे ये पता होना चाहिए थ्री ओ क्या होता है, इरिथ्रोज क्या होते हैं, कई बार नेम दे देंगे जैसे डी इरिथ्रोज है, उनमें रिलेशनशिप बताओ, कोई इनशो है डायो है, तो आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका इरिथ्रो, एक होता है थ्री ओ। तो इरिथ्रोज का मतलब तो होता है सेम साइड आपके फंक्शनल ग्रुप हों, जो भी ग्रुप है आपका सेम साइड हो तो इरिथ्रो। थ्री ओ मीन्स होता है आपका अपोजिट। कैसे करोगे आप देखो, जैसे आपके पास ये है एच ओ एच, एच ओ एच यहाँ पे है सी एच टू ओ एच, इसका नाम है इरिथ्रोज होता है, ये डी इरिथ्रोज। जब इसकी मिरर इमेज करते हो तो यहाँ पे सी एच ओ ओ एच ही साइड आ जाएगा, एच यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ओ एच एच लेफ्ट साइड आ गया, ठीक है। यहाँ अभी ये इरिथ्रोज ही है, ठीक है, ओ एच, बट यहाँ पे क्या आ गया देखो, ये भी इरिथ्रोज, ये भी, ये तो डी है, यहाँ पे राइट साइड था, ये क्या होगा एल इरिथ्रोज। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा ना, इरिथ्रोज मतलब सेम साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो सेम साइड के ग्रुप सेम टाइप के ग्रुप हैं। और अगर आपके पास यहीं अगर अपोजिट होता ये होता सी एच ओ, जैसे एच ओ एच ओ एच एच सी एच टू, ऐसी कंडीशन हो तो इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोज। इरिथ्रोज मीन्स होता है आपका, इरिथ्रोज मीन तो होता आपका सेम, और इसको हम बोलेंगे थ्रीओज। थ्रीओज मीन्स होता आपका अपोजिट, सेम टाइप के ग्रुप अगर अपोजिट साइड प्रेजेंट हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं थ्रीओ। रिलेशन से आप मिरर में से देख सकते हो, जैसे आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे डी ग्लूकोज एल मैनोज आपको सिंपल मिल जाएगा, डी और एल, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से आप बता सकते हो कि किस साइड क्या है, जैसे ग्लूकोज और मैनोज आपके एपिमर डाइस्ट या एनोमर, ये आपको पता ही होंगे, हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। तो डीएल में बस आपको क्या देखना है, ओएच की पोजीशन देखनी है, ऊपर मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल, नीचे जो बॉटम में लेस ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप। इस वीडियो में हमने डीएल कॉन्फ़िगरेशंस देख ली हैं, उसके आप डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे ग्लूकोज फ्रैक्टोज ले लो, अरेबिनोज ले लो, ग्लैक्टोज, टू डीऑक्सीराइबोज, मतलब डिफरेंट कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स ले सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगी उसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ देखेंगे, मिरर इमेज रिलेशनशिप देखेंगे, इन एनशो डायो जो भी हैं ऑल थिंग्स देखेंगे, और ऑप्टिकल एक्टिव की क्या कंडीशन है उसके लिए एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक्स होगी आपकी, सिंपल सिमेट्री एलिमेंट देखने हैं आपको, थोड़ा बता देते हैं, सिग्मा एस एन और आई, ये तीन देखकर आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हुआ या इनएक्टिव, सुपर इम्पोज करेगा या नहीं करेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग द चैनल ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचे आप जो भी कंटेंट हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो, एंड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्यूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।